स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे। तो आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं चार ऑल्ट कॉइन के बारे में, और सबसे पहले हम बिटकॉइन के एनालाइज के बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन पे हमें क्या पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि बिटकॉइन की सिनेरियो पूरे मार्केट को इफेक्ट करती है। तो मेक श्योर वीडियो को आप पूरा देखो, और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम के लिंक है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मार्केट के अपडेट, इवेंट्स या फिर जो भी न्यूज़ होते हैं, जो भी कॉल्स होते हैं, मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले बिटकॉइन की अपडेट हम यहां पर ले लेते हैं। बिटकॉइन का फिलहाल अगर आप प्राइस देखोगे तो एक डाउन ट्रेड, शॉर्ट टर्म पे एक डाउन ट्रेड ही आप यहां पर देख सकते हो कि देखने को हमें मिल रही है। अब पॉसिबल यहां पर क्या है, क्या वो चीज़ें हैं जो हमें यहां पर ध्यान रखनी चाहिए, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर देखेंगे। तो कल की वीडियो पे बिटकॉइन पे मैंने इस पैटर्न के बारे में बात की थी, जहाँ पर यह ब्रेकआउट हुई है और अभी फिलहाल मार्केट एक डाउन ट्रेड पर हमें देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म पे मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा और आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, और ये करेक्शन अगर हम यहाँ पर बात करें कि बिटकॉइन का प्राइस अगर लगभग यहाँ पे $62,800 तक फिर से अगर आपको देखने को मिलता है, तो कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं होगी। तो दो इंपॉर्टेंट सिनेरियो यहाँ पर बनते हैं कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो फिर से अपने $62,400 के पास यहाँ पर आए, और अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट होती है तो ये भी पॉसिबल बनता है कि $60,300 तक आपको देखने को मिल सके। तो हालांकि कोई यहाँ पर पैनिक वाली बात नहीं है, मार्केट ओवरऑल काफ़ी टाइम से बुलिश थी, काफ़ी टाइम से बिटकॉइन का प्राइस अप जा रहा था, तो ऐसे सिचुएशन पे बनती है कि थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिल सके। तो ये करेक्शन हमें देखने को मिल रही है, और फाइनली अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत जल्दी आपको लगभग $62,400 तक में आपको हो सकता है देखने को मिले, और उसके बाद अगर ये एरिया ब्रेकआउट होती है, लगभग $62,400 का एरिया ब्रेकआउट होती है, तो आप ये भी पॉसिबल रख सकते हो कि लगभग $60,300 तक आपको देखने को मिल सके। तो कुछ इस तरह का पैटर्न भी यहाँ पे बन सकती है, जो फिलहाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह का भी पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है मार्केट में थोड़ा कुछ इस तरह के पैटर्न्स आपको देखने को मिले, इसे ब्रेकआउट होने के बाद फिर से लगभग $60,000 पे आई, 60,200, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट होकर अच्छा खासा यहाँ से हमें कुछ स्पाइक देखने को मिल सके। तो कुछ इस तरह की भी बनती है, या फिर ये जो $62,400 का एरिया मैंने आपको बताया है, इसी एरिया पर लगभग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे 3-4 बार यहाँ पे कुछ सपोर्ट बनाए, और उसके बाद मार्केट में कुछ इस तरह का मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही सिनेरियो आपको देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको शॉर्ट टर्म पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और कुछ अगर आपको लगभग $62,400 पे आपको देखने को मिलते हैं, तो कुछ ऑल्ट कॉइन को आप यहाँ पे इस एरिया पे बाई कर सकते हो, एंड कुछ अगर आपको लगभग 60,300 अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर आता है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, चाहे वो बिटकॉइन के लिए हो या फिर ऑल्ट कॉइन के लिए। तो दोनों ही सूरत पे आपको यहाँ पर जो भी ऑल्ट कॉइन वगैरह है, जो भी प्रोजेक्टेबल कॉइन है, आप उसे यहाँ पर बाई कर सकते हो। इस एरिया पे काफ़ी ज़्यादा चांस बनेगा कि यहाँ से एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिल सके, क्योंकि बिटकॉइन में प्राइस में अगर करेक्शन हमें देखने को मिलती है, तो ऑल्ट कॉइन में 10-20-30% तक का भी करेक्शन देखने को मिल जाता है। तो ऐसे सिचुएशन पर शॉर्ट टर्म पर यहाँ पर प्रॉफिट करने का काफ़ी ज़्यादा अच्छा चांस है। तो लगभग $60,200-$300 पे अगर बिटकॉइन का प्राइस हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ से आपको ज़रूर बाई करनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा चांस बनेगा कि मार्केट में अच्छा खासा स्पाइक आपको देखने को मिले। तो दोनों एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग यहाँ पर बनती है $60,400 की या $60,500 की, ये एरिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मार्केट आपको यहाँ से कुछ स्पाइक देखने को मिले, यहाँ पर आती है तो 2-3-4 आवर के चार्ट में लगभग 2-3 कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनेगी, और इसके बाद यहाँ से स्पाइक करने के चांसेस होंगे, या फिर अगर ये एरिया ब्रेकआउट होती है तो $60,400 का ये जो एरिया है यहाँ पर आने के चांसेस होंगे, और यहाँ से अच्छा खासा स्पाइक आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा बहुत आप 60,400 या 500 में अगर आती है तो बाई कर सकते हो, और 60,300-400 में आती है तो यहाँ पे बिल्कुल आप अपने जो भी बैग से उसे आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो अभी फिलहाल चार ऑल्ट कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अच्छी खासी स्पाइक आपको देखने को मिल सकती है। और रीजन अगर हम बात करें, तो जैसे बिटकॉइन का प्राइस में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, इन सब में भी आपको अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिल सकता है। तो पहले अगर आप यहाँ पे देखो तो TLM को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। फिलहाल TLM का प्राइस चल रहा है 0.26, और इस प्राइस में फिलहाल मुझे कोई अच्छी बाइंग तो यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो अगर आपको बाइंग करनी है तो लगभग आप 0.24-0.245 में आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ से चांसेस होगा कि अच्छा खासा स्पाइक आपको देखने को मिल सके। या फिर अगर आप बाई करना चाहते हो तो 0.227 पे आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से भी चांसेस बनेगा अच्छा खासा स्पाइक आपको देखने को मिल सके। मिड टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छी कॉइन है, और मेटावर्स की प्रोजेक्ट है, तो आने वाले टाइम पर कभी भी इसमें आपको हाइप देखने को मिल सकती है।
टीएलएम पे थोड़ा सा आप रेसिस्टेंस पे नजर रखना है। जैसे ही ये लगभग 0.28 को ब्रेकआउट करेगी तो आपको और अच्छा खासा रिवर्स आपको देखने को मिलेगा, और लगभग फिर आप इसके टारगेट कम से कम आप यहाँ पे 0.31 सेंट का भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा थोड़ा बाई करके रख सकते हो। 0.245 पे या फिर 0.225 पे आप यहाँ पर बाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो यहाँ देखने को मिलती है, तो आप यहाँ पर जरूर बाई करना। कई लोगों ने सिप के बारे में पूछा था, सिप का फाइनली जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि एक फिलहाल एक डाउन ट्रेड पे, और चाहो तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, बट मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए मैं फिलहाल अभी इसे सजेस्ट नहीं करता। तो मिड टर्म के लिए अगर आप इसे बाई करना चाहते हो तो आप कम से कम 0.46 में आप बाई कर सकते हो। ये डॉलर का प्राइस है, आप ज़रा सा इसे चेक कर लेना, यहाँ पे कर्सर में आप चेक कर लेना, ये 0.000 कई सारे जीरो लगे हैं, तो वो जीरो हटाकर आप इन जो भी मैं प्राइस बता रहा हूँ उसे आप समझ लेना। तो अगर आप इसे बाई करना चाहते हो तो 0.466 में आप चाहो तो यहाँ पे बाई कर सकते हो, अगर यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। कुछ पैटर्न्स आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस तरह का पैटर्न्स यहाँ पर फॉलो कर रही है। तो जैसे इस पैटर्न को अगर नीचे की ओर ब्रेकआउट होती है तो फिर सिप में और भी आपको डाउन ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल कुछ बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, बट स्कैल्पिंग के लिए सही है। आप चाहो तो 0.46 में आप बाई कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो लगभग 0.43 में आप यहाँ पर बाई कर सकते हो। तो ये दोनों एरिया काफ़ी बेटर है, यहाँ पर आप चाहो तो स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो विद स्टॉप लॉस के साथ, नॉट मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का यहाँ पे मैं सजेशन दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा आप इन सब एरिया से बाई करना। अब डिपेंड ऑन न्यूज़ की अब फिलहाल कौन कौन सा न्यूज़ आपको देखने को मिलता है। सिप के कई सारे न्यूज़ थे जो कि फिलहाल कुछ खास इफेक्ट नहीं हुई है, तो कुछ हाइप वाली ऐसी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है, तो हो सकता है कि कुछ आपको रिवर्सल पैटर्न आपको देखने को मिले। लेकिन फिलहाल जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग के लिए आप इन दोनों एरिया से बाय कर सकते हो, या फिर और अगर डाउन आपको देखने को मिलती है तो 0.0033 में आप चाहो तो बाय कर सकते हो। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन बनती है, तो यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। तीसरी प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ORN को चूज कर सकते हो। मिड टर्म के लिए मैं इसे काफ़ी अच्छा मानता हूँ, और अगर आप उसका बाय करना है तो कुछ इस एरिया में बाय कर सकते हो, लगभग 0.78 में अगर आपको देखने को मिलती है तो आप यहाँ पे थोड़ा बाय कर सकते हो। इसके बाद लगभग 7.3 में भी आप बाय कर सकते हो। दोनों एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में है, तो स्कैल्पिंग के लिए या मिड टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा बाइंग जोन हमें देखने को मिल रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हो। टारगेट के बारे में बात करें तो लगभग आप यहाँ पर $9 का टारगेट रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लगभग से लगभग 10.1 का टारगेट रख सकते हो। उसके बाद हम बात करें तो लगभग $12 तक का टारगेट आप यहां पे रख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा बाइंग जोन हमें देखने को मिल रहा है। तो चाहो तो ORN को बाई कर सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर आप मिड टर्म के होल्डर हो तो ORN आपको अच्छी खासी प्रॉफिट यहां पर मैं समझता हूं आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्राइस में भी बाई करते हो तो लगभग $11 से $12 तक का टारगेट आप यहाँ पर रख सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर 7.31 तक में आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पे आप अपने बैग को फुल कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा चांस बनेगा कि यहाँ से मार्केट में अच्छी खासी आपको एक हाइप देखने को मिल सके। चौथी कॉइन के बारे में बात करें तो SKL को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल एक शॉर्ट टर्म पे एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, तो अगर आपको इसे बाई करना है तो कुछ फिलहाल अभी प्राइस में बाई कर सकते हो। कुछ अगर हम बात करें तो लगभग 0.32 में आप बाई कर सकते हो, और अगर आपको डाउन देखने को मिले तो 0.29 में आप बाई कर सकते हो। तो तीनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप इन तीनों एरिया पे बाई कर सकते हो। टारगेट अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग 0.40 का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो 0.46 तक का टारगेट आप यहाँ पर रख सकते हो, और फिर इसके बाद आप चाहो तो 0.55 तक का टारगेट आप यहाँ पर रख सकते हो। तो काफ़ी अच्छी मिड टर्म के कोई नहीं, तो ORN एंड SKL दोनों को मिड टर्म के लिए भी आप इसे होल्ड कर सकते हो। आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मैं समझता हूँ आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो ये रहे चार ओल्ड कॉइन के टेक्निकल कुछ एनालाइज। बाकी का अगर आप भी किसी कॉइन का एनालाइज चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।